हर रोग का इलाज न्यूरोथेरेपी विधि से आपके सर गोपीगंज जंगीगंज बाजार महावीर के पास। हम किसानों का विरोध तो नहीं कर रहे हैं कि ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो कानून बनाया गया है, तीन कानून प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बनाया है, तो तीनों कानून में हमको कोई खामियां दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अब रह गया मतलब अगर किसी को खामियां दिखाई पड़ रही है तो वो जो है उसका रास्ता दूसरा है, बातचीत करें माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राज्यपाल से, या कोर्ट भी हमारे पास है, जो है हमारा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट भी है। तो केवल एक रास्ता ये नहीं है कि हम चक्का जाम कर दें, हम भारत को बर्बाद कर दें, या पर एक बात को मनवाने के लिए हम चारों तरफ किसी को जाने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, ये हम इसको पसंद नहीं करते, न हम ऐसा काम करेंगे अपने इस आंदोलन में, अपने राजनीतिक जीवन में किसी को परेशान नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि इस ढंग से आंदोलन नहीं करना चाहिए। क्या मानते हैं किसानों को सरकार से बातचीत करके एक नतीजा निकालना चाहिए? हाँ, सरकार को ये चाहिए कि किसान उनके पास जा करके उनके बातों को समझे और जो खामियां अगर कुछ हैं तो उसको जो है सुधार करके आगे बढ़ाया जाए और आंदोलन को ख़त्म करना जाए। सरकार का भी एक कर्तव्य होता है जो सामने जा करके उनसे बातचीत करके आंदोलन को ख़त्म किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसान हित के लिए सरकार काम कर रही है। मोदी ने जो काम किया है वो न भूतोन भविष्य दे, किसानों के लिए जितना प्रयास उन्होंने किया है उसका कोई जो है तुलना नहीं है। आज किसान आंदोलन के लिए विपक्षी पार्टी जो कि बिल्कुल विधवा विलाप कर रही हैं, विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसानों को उज्ज्वलित करना चाहते हैं, उनके माध्यम से अपना राजनीतिक गुत्थी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। किसान आंदोलन करना, ये हक मानना कोई गलत बात नहीं है। उन मुद्दों पर सरकार संवेदनशील है, सरकार कोशिश कर रही है और निश्चित रूप से समस्या का समाधान करने के लिए हमारे कृषि मंत्री, गृह मंत्री और तमाम लोग, इसमें जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं हमारे, वो लगे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए, सारे लोग लग करके इस मामले को समाप्त करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो विधवा विलाप कर रही है, राहुल गांधी जो रणापा रो रहे हैं, अमरिंदर सिंह जो भड़काऊ कर्म कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होगा और निश्चित रूप से किसानों के हित में हमारी सरकार आगे भी और कोशिश करेगी जिससे किसानों का भला होगा। महासचिव जी, ये बताइए, आज आप लोगों ने पत्रक सौंपा है किसानों के मसले को लेकर, तो क्या पूरा मामला रहा, क्या मांगे रहे हैं? किसानों के समर्थन में किसान विरोधी बिल जो भारत सरकार ने पास किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देश पर गंतम भदोही प्रगत सिंह समाजवादी पार्टी ने दिया, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने पत्रक सौंपा है। किसान विरोधी बिल जो है किसानों के हित में तुरंत वापस लिया जाए और किसानों का समर्थन मूल्य सही रूप से दिया जाए, किसानों के साथ अन्याय है। हम लोग किसानों के समर्थन करते हैं और किसानों के साथ हैं। पूरी लड़ाई जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लड़ी है, किसानों की लड़ाई के साथ कंधा से कंधा लगा के लड़ाई लड़ने के काम करें। मैं जहार अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष हौराई। हम लोग मामले में ही इकट्ठा नहीं होते, समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए एनी टाइम मामला चलता रहता है, किसानों के पक्ष में, नौजवानों के पक्ष में, व्यापारियों के पक्ष में, समाजवादी पार्टी हमेशा तत्पर और कार्य करती रहती है। आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये भाजपा जो सरकार किसानों के ऊपर जो जुल्म कर रही है, किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के लोग आज साइकिल यात्रा निकाले थे, लेकिन ये पुलिस के लोग हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिए, ज़बरदस्ती हम लोगों को गिरफ्तार कर यहाँ लेकर आए हैं। लेकिन अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, आगे भी इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा। किसान आंदोलन को लेकर जहाँ एक तरफ सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार को घेरने पे जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम अन्य राजनीतिक और किसान संगठनों के साथ साथ मिशन मोदी, अगेन पीएम के जिला अध्यक्ष भरत राज सिंह
और सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने कहा है कि किसानों को आंदोलन और अपनी मांग रखनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें लोकतंत्र में एक बातचीत और अपने मांगों से संबंधित प्रक्रिया अपनानी चाहिए, न कि हिंसात्मक और भड़काऊ रवैया अख्तियार करना चाहिए। आपको बता दें कि सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने भी किसानों के कृत्य को गलत बताया है। कहा किसान अपनी मांगों को लोकतांत्रिक ढंग से भी रख सकते हैं, लेकिन देखने को यह मिल रहा है उनको उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। जो किसानों का रवैया रहा, जिस तरह से मांगे उनके द्वारा की जा रही हैं, वो कहीं सही नहीं है। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। सपा के तमाम कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष विकास यादव समेत जहां गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिला अध्यक्ष अखिल अख्तर सिद्दीकी और प्रमुख महासचिव रामलाल के नेतृत्व में तमाम प्रसपा कार्यकर्ताओं ने पत्रक जिलाधिकारी भदोही को सौंपा। इस दौरान ज्ञानपुर विधानसभा अध्यक्ष रेहान अहमद समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, तब तक।